नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल लव गुरु में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी बनाना चाहते हैं अपनी लव लाइफ बहुत ही ज़्यादा अच्छी, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि लड़कियां इतना भाव आखिर क्यों खाती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी ज़्यादा परेशान हैं कि लड़कियाँ इतने भाव क्यों खाती हैं, तो उनका रीज़न जानने के लिए आप हमारे इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले टाइप हम आपको बता रहे हैं कि वो लड़की क्यों भाव खाती है जो कि अनजान है आपसे और वो आपको जानती ही नहीं, फिर भी वो भाव क्यों खाती है। जी हाँ दोस्तों, इसका एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल रीज़न है कि अगर आप एक ऐसी लड़की को भाव दे रहे हैं जो कि आपको नहीं जानती है और वो आपसे कट कट के रहती है, तो सबसे पहले तो आप ये जानिए कि वो आपको अगर भाव क्यों दे। हाँ, क्योंकि आप तो उसे जानते ही नहीं ना, तो वो आपको जानती है लेकिन आप फिर भी उसके पीछे पड़े हैं। तो इसके लिए पहले आपको उससे दोस्ती करनी होगी, उससे बातचीत करनी होगी और पहले तो उसे थोड़ा सा जानना होगा और उसे बताना भी होगा कि हु द हेल यू आर, कि मतलब हाँ आप हो कौन। तो दोस्तों, अगर आप भी किसी एक अनजाने लड़के से फ्लर्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसे बात करने का कोई ना कोई बहाना तो ढूंढ ही लीजिए, क्योंकि अगर आपने कोई बहाना नहीं ढूंढा बात करने का, तो फिर आपकी लव लाइफ थोड़ी सी ख़राब होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, दूसरी बात है कि लड़कियों को भगवान ने कुछ ज़्यादा ही ईगो दिया रहता है, उसे सेटिस्फाई करने के लिए वो इतना भाव खाती हैं। जब तक वे एक दिन में 3-4 लड़कों को मना ना कर दे, उन्हें परेशान ना कर दे, उन्हें रुला ना दे, उन्हें तड़पा ना दे, तब तक तो उन्हें कुछ अच्छा लगता ही नहीं। तो आप परेशान नहीं होइए, ये नेचुरल चीज़ है और उनमें हमेशा ही रहती है। तीसरी बात है कि अगर कोई लड़की भाव खा रही है, तो सबसे पहले आप जानिए उसका रीज़न कि आखिर वो ऐसा कर क्यों रही है। क्या वो आपको कोई छिछोरा लड़का तो नहीं समझ रही है? हाँ, अगर आप उसके पीछे घूम रहे हैं, कुछ बात नहीं कर रहे हैं, बस कमेंट पास कर रहे हैं, तो फिर वो आपको तो छिछोरा ही समझेगी ना। इसलिए आप अपनी पर्सनैलिटी विकसित कीजिए, थोड़ा सा अपने अंदर बदलाव लाइए, उसको कमेंट मत कीजिए, उसका पीछा मत करिए, पहले कोई ना कोई एक रीज़न ढूंढिए उससे बात करने का, तो आपकी लव लाइफ जो है वो आगे जरूर बढ़ेगी। दोस्तों, तीसरी बात है कि लड़कियों को ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है कि कोई इनका पीछा करे, उन्हें चेस करे, उनके पीछे पीछे पागलों की तरह घूमे, हर वक्त उनके बारे में सोचे। हाँ, ये उनको कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है, क्योंकि इसकी वजह से उनका एक ईगो ये भी सेटिस्फाई होता है कि वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत है, उसके जैसा कोई नहीं और आप तो उसके पीछे लट्टू हैं। तो ऐसा मत कीजिए, किसी के पीछे लट्टू मत होइए, पीछे पीछे घूमिए मत, हाँ कोई बात करने का बहाना ढूंढिए, उसकी मदद कीजिए, उसके ऊपर अपना एहसान लादिए, उसके बाद तो वो आपके पीछे दौड़ी चली आएगी। और एक चीज़ और, कभी भी उसके लिए पागल मत होइए, अपनी ज़िंदगी मत ख़राब कीजिए। वो आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा हो सकता है लेकिन सब कुछ नहीं हो सकती, इसलिए आपको हमेशा खुश रहना है, हंसते रहना है, खिलखिलाते रहना है, और अगर आज एक नहीं पटी तो कल के लिए तैयार रहना है। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसी बातें थी जो कि आपकी लव लाइफ को बहुत ही ज़्यादा फैंटेसी से भर देगी, खुशियों से भर देगी, आप हमेशा खुश रहेंगे, हंसते रहेंगे, खिलखिलाते रहेंगे और कभी भी किसी भी लड़की के लिए रोएंगे नहीं। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसी बातें थी जिन्होंने आपको बताया कि लड़कियाँ इतना भाव क्यों खाती हैं। लड़कियों के बारे में और ज़्यादा जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। दोस्तों, धन्यवाद।